हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम प्रेगनेंसी और पीरियड्स से जुड़ी बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। आप सभी इंतजार करती हैं कि कब मेरी डेट मिस हो और मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूं और जल्दी से मुझे पॉजिटिव न्यूज मिले, गुड न्यूज मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में आप चिंतित तब हो जाती हैं जब आप डेट मिस होने के बाद यूपीटी करते हैं घर पे और वो नेगेटिव आता है, और एक ही बार नहीं, कई बार नेगेटिव आता है। तब आप बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। तो हम सबसे पहले अगर जाने कि वो कौन से कारण है कि जिसकी वजह से हमारा टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है, डेट भी तो मिस हो चुकी है फिर भी टेस्ट बार बार नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो इसके जो रीजन है उनको आज हम समझेंगे और उसको ठीक करने के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप यही नहीं जानते कि यूपीटी हमको घर पे प्रेगनेंसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो इससे जुड़ा मेरा वीडियो है, उसको आप देखिए, उसको समझिए कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए डेट के बाद में, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण हम जानेंगे कि नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों आता है डेट मिस होने के बाद। सबसे पहला रीजन होता है लो लेवल ऑफ हार्मोन, एससीजी का लेवल अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में लो है, कम मात्रा में है, तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इसके लिए आपको डेट मिस होने से 20 डेज तक वेट करना चाहिए। 20 डेज तक आप टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं और तब तक वेट कर सकते हैं। दूसरा रीजन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? आपकी डेट मिस हो गई है लेकिन आपको वॉमिट आती है, आपको चक्कर आता है, आपको हल्का फीवर भी आता है कभी कभी। इसके अलावा आपको कमर में, पैरों में, पेट में काफी दर्द रहता है। तो ऐसी कंडीशन में एक अलार्मिंग साइन है ये चीजें, कि ऐसी कंडीशन है और टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, हो सकता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तीसरी कंडीशन ये होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी ओवरी में सिस्ट है, आपको अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है यानी कि थायराइड का इश्यू है, किसी तरह का भी हार्मोन्स का डिस्टरबेंस चला आ रहा है आपके शरीर में, तो उसकी वजह से भी बिना प्रेगनेंसी रुके पीरियड मिस होता है और टेस्ट बार बार नेगेटिव आ जाता है। तो हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए चैनल पे मैं बहुत सारे टिप्स लेके आती हूँ। शतावरी, सौंफ, दालचीनी का प्रयोग, एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग आपको कैसे करना है, इसके अलावा बहुत सारे इसेंशियल ऑयल हैं, आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। पीसीओडी की कंडीशन है तो डाइट कैसे लेनी चाहिए, आपको क्या लेनी चाहिए, इसके अलावा ढेर सारी टिप्स मैंने आपको बताई हैं चैनल पे वीडियोस में। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप उन टिप्स को देखें और हार्मोन्स को ठीक कर लें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपका डेट मिस हो गया है और टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है, तो इन कंडीशंस को देखते हुए आप एक्शन ले सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जुड़े रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। जल्दी मिलूंगी नए विषय के साथ। तनाव मुक्त रहें, प्रसन्न रहें। टेक केयर, बाय बाय।